नमस्कार, मैं शालिनी। आज मैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ आप सबके सामने उपस्थित हूँ। आज मैं चना का साग तैयार करने वाली हूँ। चना का साग खेत से बहुत छोटे छोटे ऊपर के जो ट्विक्स होते हैं उसको तोड़कर लाया जाता है, उससे तैयार किया जाता है और इसे धोया नहीं जाता है। और इसमें साथ ही कुछ बथुआ के साग भी मिक्स होते हैं। बथुआ का साग चना के साग को गलाने का काम करता है। चना के साग को सिर्फ ला कर के और किसी ऐसे चीज़ पर झाड़ दिया जाता है जिससे इसमें जो कुछ कीड़े होते हैं वो निकल जाते हैं। इस तरह से गांव में तोड़ कर लाने के बाद कॉट पर रख कर इसे झाड़ दिया जाता है तो सारे कीड़े झड़ जाते हैं। और थोड़ा इस तरह से देख भी लिया जाता है, अगर कोई कीड़ा फंसा होता है तो वो निकल जाता है। ये सिर्फ ऊपर की चना के पौधे की ऊपर की ट्विक्स होती है, कोमल जो ऊपर की जो पत्तियाँ होती हैं वो होती हैं। अब इसे धोया नहीं जाएगा, इसे सिर्फ काटा जाएगा। और काट कर इसे कैसे तैयार करते हैं वो मैं आप सबको दिखलाती हूँ। इस तरह से बारीक बारीक साग को काटा जाता है। इस साग को इतनी बारीक काटना भी एक कला है। प्रेशर कुकर में 1 लीटर पानी डालकर और साग को गलने के लिए डाला जाता है। साग में थोड़ा सा अदरक ग्रेट करके डाल दिया जाता है और नमक, जितनी साग की मात्रा होती है उसके अनुसार नमक डाल दिया जाता है। और अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करके और पैक कर दिया जाता है। अब इसे पैक करके और पकाना होता है, अच्छी तरह से गलाना होता है। इस तरह से इसे गला लिया जाता है और अब इसका पानी सुखा दिया जाएगा। पानी को सुखाते हुए इसे मथते चले जाएंगे। सबसे पहले तो इसे खूब अच्छी तरह से सुखा लिया जाता है, साग को आग पर ही चढ़ाकर। उसके बाद सुखा लेने के बाद इसे खूब अच्छी तरह से मैश किया जाता है। इस तरह से इसे इतनी अच्छी तरह से मैश किया जाता है कि ये पूरा साग बिल्कुल चिकना हो जाता है। अब इसके चिकना हो जाने के बाद जितना खाना हो उतना किसी दूसरे बर्तन में निकाल लिया जाता है। बारीक कटी हुई अदरक और हरी मिर्च को मिक्स कर दिया जाता है। जिनको लहसुन खाना हो वो लहसुन भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसमें सरसों का तेल डाला जाता है। सरसों का तेल इस साग के स्वाद को बढ़ा देता है। इसे खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद इसमें थोड़ा नमक भी चख लेते हैं। अगर नमक की ज़रूरत हो तो नमक डाल देते हैं, नमक की ज़रूरत नहीं हो तो डालने की ज़रूरत नहीं। इसे खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। खूब अच्छी तरह से इसे मिक्स करके और जिसे जैसा चाहिए, अगर एक्स्ट्रा अदरक और हरी मिर्च की ज़रूरत हो तो ऊपर से डाल देना है। इस साग को जितना बारीक काटा जाता है ये उतनी चिकनी बनती है। इस साग में मैंने अपनी बेटी की मदद ली है, उसके सिवा और मेरे घर में कोई इतना बारीक साग काटता भी नहीं है। इसलिए मैंने सोचा उसके साथ रहने का फ़ायदा उठाया जाए और मैंने उससे ये साग तैयार करवाया है। आप भी इसे बना कर देखें और अपने कमेंट्स हमारे साथ जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आती है लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।